ओके मृत्युंजय पांडे का सवाल है, IRCTC के 10 शेयर हैं 1025 में, जी कुछ बताइए। कुछ बताइए तो सर बहुत ओपन एंडेड हो गया। ऐसा उन्होंने लिखा, मैंने कहा पूछ लेता हूँ कुछ नहीं, बताइए। देखिए देखिए ये स्टॉक एक जमाने में आपको याद हो डार्लिंग था, जब पिट रहा था तो ये डार्लिंग था, लोग आके पूछा करते थे कि क्या करें क्या करें, तब सबको हम यही बोलते थे धैर्य रखिए 650 650 वो एरियाज पे, उन एरियाज पे 600 से 700 के बीच में, जब भी मेरे से पूछा गया IRCTC, मैंने सबको बोला धैर्य रखिए, अगर 12-18 महीने का धैर्य है तो भाव भी आएंगे टारगेट भी आएंगे। नया हाई नहीं मार पाया है इस मार्केट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लोगों को ध्यान रखना है, 2021 का ही इसका हाई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ये समझने के लिए कि अभी भी वो स्ट्रेंथ स्टॉक में नहीं है जो बाकी उन उन स्टॉक्स में थी जो बाजार के साथ चले और नए हाईज मारे। तो मेरी तो राय यही रहेगी कि भाई देखिए अपने 200 दिन के एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है तो एक हफ्ता और देख लीजिए, और मेरे हिसाब से 900 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए, किन्हीं कारणों से उसके नीचे जाता है तो क्या 100-125 रुपए इसमें से और शेव ऑफ हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस दिन 900 तोड़ेगा, अगर तोड़ेगा तो 780-800 का भाव आएगा, तो आप बेच दीजिएगा 900 में और आपको फिर शायद नीचे लेने के लिए 100-125 रुपए नीचे इसको आपको लेने को मिल जाएगा।